Assalamualaikum, myself Dr. Bilal Hassan. Today I will discuss about demonstration about the parts of syringe. अब syringe को open कैसे किया जाता है, इसके parts कौन कौन से होते हैं और इसके uses क्या है। अब ये बहुत long practice है, हम field में use करते हैं इस तरह syringe को, ये बाबा 3 ml की syringe है, इस तरह open कर लेते हैं। ये correct method नहीं है इसे open करने का। इसके ऊपर ये window type बना होता है, इसको हम इस तरह open कर लेते हैं। ये syringe आ गई हमारे पास। अब इसके parts कौन कौन से होते हैं, एक कहता है प्लंजर, बैरल, टिप और नीडल। ये नीडल ऐसे हम अलग कर देते हैं। अभी जो पीछे हम जो इसे खींचते हैं, जिससे हम इसके ऊपर जो मेंशन किया हुआ है, ये जो पार्ट है इसे कहते हैं बैरल, इसे कहते हैं बैरल 1 ml, 2 ml, 3 ml, जो जिससे पीछे प्रेस खींचते हैं इसे हम कहते हैं प्लंजर। अब इसके ऊपर जो टिप है, इसके ऊपर जो पार्ट है जिसके ऊपर नीडल अटैच होती है, इसे हम कहते हैं टिप या अडाप्टर, ये अडाप्टर भी कहते हैं।